थैंक यू सो मच एवरीवन। ये बातें मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि इसमें आज जितने मेरी जो म्यूजिक बॉक्स आज जिस लेवल पे है सब लोगों का साथ रहा है और वो सब लोग मेरे सामने हैं, मेरे साथ हैं, मौजूद हैं इस समय, तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इसलिए ख़ास है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। या दुर्गा दुर्गा इज़ कमिंग दिस नवरात्रि 26, और ये एक औरत ओरिएंटेड मूवी है और आप लोग देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, और अभी मैं रिवील नहीं कर सकती स्टोरी बिकॉज फिर देखने को कुछ बचेगा नहीं। सो दैट्स व्हाई 26 को आ रही है दुर्गा, दुर्गा इज़ कमिंग। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई थिंक स्पेशल गिफ्ट मुझे सबसे ही मिला है, जितने दोस्त हैं ऑफकोर्स मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, सब लोग, बहुत सारे लोग हैं, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी दिल से। आई थिंक बचपन में मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना ज़्यादा पसंद नहीं था, बट अभी इंजॉय कर रही हूँ। सो उस समय फैमिली हुआ करती थी साथ में, अभी बहुत सारे लोग और जो फैमिली बन गए, किस्सा बन गए म्यूजिक बॉक्स का और मेरी लाइफ का, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ कि पहले मेरी फैमिली हुआ करती थी, अभी बहुत सारी बहुत बड़ी फैमिली बन गई है, तो शुक्रिया एवरीवन। या फर्स्टली दुर्गा इज़ कमिंग दिस नवरात्रि, एंड दुर्गा के बाद नवरात्रि सॉन्ग आ रहा है जिस पर हम लोग बहुत नाचने वाले हैं, एंड प्रोजेक्ट इज़ कमिंग, बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, सो म्यूजिक बॉक्स पर मिल ही जाएंगे, नई अपडेट मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच। यस सबसे पहले तो थैंक यू एवरीवन, एंड जो दोस्त हैं, जो फैमिली है, जो फैंस हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं और देखेंगे, तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि दुर्गा आ रही है और आप लोग देखोगे तो आपको एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट मिलेगा, बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। सो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों का प्यार दुर्गा के लिए और म्यूजिक बॉक्स के लिए ऐसे ही मिलता रहे, और थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्टिंग। मेरे काफ़ी सॉन्ग मिलियन प्लस हुए हैं और बिकॉज ऑफ फैंस के प्यार से, सपोर्ट से। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। जी सबसे बड़ा हाथ तो अगर मैं यहाँ हूँ और म्यूजिक बॉक्स यहाँ है तो उसके पीछे मेरे मॉम डैड का हाथ है। अगर मेरे माँ बापों ने मुझे मेरे सपनों के लिए, मेरे कुछ करने के लिए आगे सपोर्ट नहीं किया होता तो आई थिंक अगर मैं यहाँ हूँ तो सबसे ज़्यादा मेरी फैमिली का सपोर्ट है, और आई एम वेरी लकी कि मेरी फैमिली मेरे साथ है और सपोर्ट है उन लोगों का। सो मिस कर रही हूँ, उस टाइम वो नहीं है मेरे पास, बट डेफिनेटली डन। जी म्यूजिक बॉक्स पर रिलीजिंग। या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। श्योर लेडीज फर्स्ट। या ऑफ कोर्स महक के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस हम सब परिवार की तरफ से हैं, और आप सबके लिए वो महक चौधरी है लेकिन हमारे लिए वो एक प्यारी सी चुलबुली सी लड़की है जो बहुत बहुत ज़्यादा हम लोगों के दिल के करीब है, एंड वी थ्री ऑफ अस, हम सिस्टर्स हैं उसके, सो वी थ्री ऑफ अस विश हर दैट द स्काई इज़ द लिमिट, मे शी अचीव्स वॉट एवर शी डिज़ायर्स टू, एंड मे ऑल हर ड्रीम्स कम्स ट्रू। हैप्पी बर्थडे महक, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग वुमेन,
और मैं उसको यही बोलूँगी गॉड ब्लेस हिम ओ हर एंड हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे मैं यही चाहूँगी, मुझे बहुत अपनी सिस्टर पर प्राउड है कि दिन दुगनी रात चौगुनी करे, आगे बढ़े और अपनी फैमिली का सबका नाम रोशन करे, मॉम डैड का. और मुझे बहुत प्राउड है. अनफॉर्चुनेटली आज आंटी अंकल हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन आज वो ये देखते तो बहुत ज़्यादा खुश होते और उन्हें ऐसा एहसास होता कि महक को बॉम्बे जैसा शहर में अकेले भेजना कोई गलत डिसीजन नहीं था, वो बहुत सही डिसीजन था. हम सब उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा प्राउड फील करते हैं. सो हैप्पी बर्थडे महक चौधरी, शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, हार्ड वर्किंग गर्ल एंड या मे गॉड ब्लेस हर विद ऑल द सक्सेस. And all the whatever she wants in life, she should get. Best wishes to happy birthday होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है, तो हम उसको happy birthday wish कर रहे हैं. और आपका जो नया project आने वाला है, उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या कुछ नया होने वाला है और कौन actors होंगे, क्या कौन से genre का. मेरे ख्याल से महक के जन्मदिन पे दो चीज़ें launch की है हमने. एक तो दुर्गा करके हमारी शॉर्ट फिल्म आ रही है जो एक पॉजिटिव मैसेज लेके आपके सामने आ जाएगी. इट्स ए वेरी इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल फिल्म. इट्स ए रिलेशनशिप बिटवीन ए फादर एंड ए डॉटर, मतलब एक पिताजी मतलब बेटी और उसके पिता के बीच का संबंध है, तो उसके ऊपर वो स्टोरी है. और दूसरा हमारा गाना आ रहा है जो दोनों 26 को रिलीज़ हो रहे, गुजराती सॉन्ग है, फ्यूजन है हिंदी गुजराती का, ढोलीडा करके ये गाना आ रहा है नवरात्रि में. तो लोग मेरे ख्याल से हमसे जुड़े रहे, स्टे ट्यून्ड टू लिसन टू दिस सॉन्ग, आई थिंक पीपल विल लव दिस सॉन्ग. और तेरान जी है जो हमारे गाने में फीचर कर रहे हैं, बड़े टैलेंटेड डांसर है, तो लोग जल्दी इन्हें इनका टैलेंट के साथ देखेंगे. यस, दिस इज़ माई फर्स्ट सॉन्ग विद म्यूजिक बॉक्स और काफ़ी अच्छा गाना है, बहुत ही एनर्जेटिक है और बहुत ही ज़्यादा इसमें नज़ाकतें देखेंगे आपको कि कैसा एक लड़की कैसा एक लड़के का वो जो रिलेशनशिप बिल्ड होता है इन त्योहारों में, और गरबा स्पेशली और डांस डांडिया, मतलब वो पूरा एक बहुत कल्चरल सॉन्ग है और बहुत मज़ा आएगा एंड आई एम श्योर आप सब लोग देखेंगे. सो स्टे ट्यून्ड ऑन म्यूजिक बॉक्स एंड दिस इज तेहरान बख्शी साइनिंग आउट. थैंक यू. डेट नहीं बता सकते, बट टेंटेटिवली ये नवरात्रि के एक हफ्ते पहले रिलीज हो जाएगा और हमारी उम्मीद है कि इस साल गुजरात है या मुंबई है जहाँ पे भी नवरात्रि खेली जाती है, ये गाना बड़ा धूम मचाएगा. जी सबसे पहले तो मैं महक जी को दिल से शुभकामनाएं देता हूँ उनके जन्मदिवस पे. यूं ही ये सफ़र उनका चलता रहे, यूं ही वो उनका हर सपना साकार होता चले. वो एक अपने आप में एक इंस्पिरेशन है, एक छोटे शहर से आके कैसे अपना एक मुकाम बनाया जाता है, तो उसके लिए वो एक लाखों और हजारों लाखों युवाओं की और लाखों लड़कियों के लिए वो प्रेरणा की स्रोत हैं कि कैसे एक अपना मुकाम अपने सपने को जिया जाता है, कैसे अपने सपने को पूरा किया जाता है. तो सबसे पहले ढेरों शुभकामनाएँ, उनका हर सपना साकार हो, यही मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा. और जहाँ तक दुर्गा की बात है तो दुर्गा कहीं ना कहीं महक जी के लाइफ से मिलती जुलती स्टोरी है. ये अलग बात है कि मैंने 2 साल पहले ये कहानी मैंने लिखा था और ये जो फिल्म है अपने आप में ये लाखों लड़कियों को इंस्पायर करेगा, लाखों युवाओं को करेगा इंस्पायर करेगा. ये जो कहानी है ये कहानी उन तमाम लोगों को है जो अपने सपनों के साथ टूट जाते हैं, तो उनके लिए ये कहानी है कि सपना देखना बहुत अच्छी बात है और अगर आपका कोई सपना पूरा नहीं होता है तो आपको जीवन में रुकना नहीं है, हारना नहीं है. क्योंकि दो बात होता है जब आप टूटते हैं, तो दो बात होता है, दो तरह के लोग हैं. एक बार जो वो टूटते हैं तो टूटने के बाद बिखर जाते हैं, और एक जो टूटते हैं तो टूटने के बाद और एक स्ट्रांग बनते हैं और अपनी चीज़ों को समेट के और स्ट्रांग बनते हैं. तो ये कहानी उन लोगों के जो जिनका कि सपना टूटा है, उन सब जो बिखरा हुआ सपना है उनको वो जोड़ के और कोई एक अलग अपना मुकाम बनाते हैं. ये क्वेश्चन मुझसे या संतोष जी महक जी बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड अभी मेरी इनसे कुछ दिन पहले गाने को लेके चर्चा हुई. इनका म्यूज़िक सेंस है ना, जैसे नए लोग जो आते हैं ना बहुत नए तरीके से सोच के आते हैं, तो हम लोगों ने कुछ कुछ गाने डिस्कस किए, इस बारी चूज़ी गाए, थोड़ा परेशान किया इन लोगों ने.
पर उन्होंने एक बड़ा प्यारा एक आइडिया दिया कि इस टाइप का गाना चाहिए। एंड जैसे यूथ को आजकल शब्द चाहिए होते हैं, तो अभी जो नया गाना आ रहा है, फिल्म का गाने का टाइटल है ना जाने क्यों, आगे का गाना है, आपको सुन के बड़ा मज़ा आएगा। एंड ये बहुत जल्दी उसको शूट करेंगे, कल हम उस गाने को डब कर रहे हैं। गाने के बोल, गाने का मूड, गाने का फ्लेवर, जो नई जनरेशन आजकल सोचती है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा शायराना अंदाज नहीं चाहिए होता है, हम तुम वाली बात होती है, तो आपको बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा, आई थिंक विद इन मंथ। एक हम उसका एक हम है गाने का, मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता भाई, जब का गाना एक्चुअली आएगा तभी मज़ा आएगा। सो बहुत प्यारा गाना आएगा एंड लोग पसंद करेंगे। अभी जैसे मेरे पिछले गानों को रेस्पॉन्स मिला, हल्की सी बरसात सबके दिमाग में आपको याद होगा कि हल्की हल्की सी बरसात आ गई, ये गाना आप लोगों ने सुना होगा, ये बहुत पॉपुलर चल रहा है। एंड अभी मिक्का पाजी का गाना आया है 5-6 दिन पहले, व्हाट द लक बोल दिया उन्होंने उसमें गाने में, पर रिकॉर्ड हमने व्हाट द फक किया था वो गाना। तो ये हमारे सॉन्ग्स सब पॉपुलर्स रहे हैं, आई हैव डन मोर देन 200 सुपर हिट सॉन्ग्स इन बॉलीवुड। बागी फिल्म का गाना आपका सुना होगा कि मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा, ना जेंगे सारी सारी राटा। अब उसके बाद ना जाने क्यों अब उसके बाद आ रहा है एंड आई विश कि वो आप लोग को बहुत मज़ा आएगा उस गाने को। हम जो पर्दे के पीछे के कलाकार होते हैं ना, इनको शक्ल से कम लोग जानते हैं। मैं एज ए लिरिसिस्ट कंपोज़र बागी, हाउसफुल 3, सुपर नानी, भैया जी, सुपर 8 एंड इंडिया में सबसे ज़्यादा वीडियो एल्बम्स मेरे आते हैं एक्चुअली, जो मैंने नाम लिया आपने गाने सुने होंगे। एंड मैं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, उन्होंने बर्थडे के दिन ये अनाउंसमेंट किया है कि हम गाना उनके साथ कर रहे हैं। इसको ये जो कहानी मैंने लिखा, तो मैं तो कोई सर स्टोरी राइटर हूँ नहीं। मैं दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा था, तो मैं ट्रेन से सफ़र कर रहा था, तो रास्ते में या तो मैं कुछ कविता मैं अमूमन लिखता ही हूँ, तो या मैं कविता या मैं कुछ पढ़ता हूँ, तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसा एक इमेजिनेशन आया और मैंने लिखा। मैं जब वापस आया मुंबई, तो वापस आने के बाद में महक जी से और संतोष जी से मैं यूं ही एक स्टोरी डिस्कस कर रहा था। मेरा मतलब ये नहीं था कि इस पे कोई फिल्म बनेगी, और इतना संतोष सर को, महक जी को इतना ये इंटरेस्टिंग लगा कि उनको लगा कि ये फिल्म चूँकि हम जो कहानी का जिस्ट है ना, वो हम एक कम समय में ही वो डिलीवर कर पा रहे हैं। अगर ये कहानी और लोगों को अच्छा अगर ऐसा कुछ लगा, तो इसको हम लोग एक बड़ा रूप देंगे, बड़े पर्दे पे भी लेके आएंगे। पहले हमारे कुछ बड़े OTT से बातचीत चल रहा है, हमारा म्यूजिक बॉक्स पे भी रिलीज है ये, इसके अलावा बड़े भी एक दो कॉर्पोरेट से भी बात चल रही है हमारी। तो इसको हम लोग एक छोटे ये में जिस्ट के साथ, कहानी के का जो आत्मा है उसके साथ हम लोग एक शॉर्ट स्टोरी में लाते, फिर आगे देखते हैं क्या होगा। नहीं, एक ये लड़की की जर्नी है, एक लड़की है जो कि अपना जो कि जिसका एक पूरा जर्नी है, जिसका एक 10-15 साल का एक पूरा जर्नी है, वो लाइफ में करना कुछ चाह रही थी और, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाने के कारण वो लाइफ में एक उससे भी बड़े मुकाम को पाती है, टूटती है लेकिन बिखरती नहीं, अपने आप को समेटती है और उससे भी बड़ा वो ये करती है, अचीवमेंट पाती है लाइफ में।